2021 स्टार्ट ही हुआ था कि मुझे राइड में कहीं जाने का मन था, बट मेरी सारी राइड किसी न किसी वजह से कैंसिल हो रही थी। एंड आई एम लाइक, गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सब कुछ मेस्ड अप हो रहा है, सब कुछ। घर के आसपास गया माइंड को तसल्ली देने के लिए, सब कुछ ठीक होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली लाइफ में एक और बहुत बड़ा मिसहैपन हो गया, और इस पर बात ना ही करे तो बेहतर होगा, नहीं तो अभी रो दूंगा। एंड सडन मुझे इनवाइट आया एक ग्रुप राइड के लिए, मेरी फ्रेंड चैता की तरफ से। हेलो जी, हाँ, जावा का राइड है, चलोगे? ओके, तो मैं आ पाऊंगा क्या? हाँ, तुम्हारा बहुत मन है ना आने का, आ जाना। अच्छा जी, हाँ तो चलो फिर, कोई दिक्कत नहीं। यदि अलाउ नहीं करेंगे तो आगे पीछे बोलना। ठीक है ठीक है, चलो बाय बाय। जावा की राइड, नाम भी कितना मस्त है ना, जावा, जिंदगी जवा कर दे। एंड कॉल रखते ही मेरे मन में एक ही ख्याल आया, ये भी राइड कैंसिल हो जाएगी। और दो दिन बाद मैसेज आया, राइड कैंसिल हो गई। फिर उस पर मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया, कुछ भी हो जाए मैं राइड पर जाऊंगा। और लोकेशन मैंने सोची गढ़मुक्तेश्वर। तो बोलते हैं ना, अगर आप दिल से ठान लो तो पूरी किस्मत को बदल दोगे। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि ये कौन सी कहावत है, तो हाँ, मैंने कहावत में थोड़ा फेर बदल कर दिया है। असली कहावत कुछ ऐसे है, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। हाँ, मुझे इस कहावत पर कभी यकीन नहीं था, पर उस दिन दिल से यकीन हो गया मुझे। मुझे वापस जैता का इनविटेशन आया और राइड गढ़मुक्तेश्वर की थी। बट उस दिन मेरे मन में 1% भी ख्याल नहीं आया कि राइड कैंसिल हो जाएगी, और मैं पूरी तरह तैयार था उस राइड पर जाने के लिए। राइड के एक दिन पहले ही इतना एक्साइटेड, मुझे रात भर नींद नहीं आई, और अगली सुबह मैं तैयार बैठा था राइड पर जाने के लिए। एंड सडन मेरे मन में ख्याल आ गया, कहीं राइड कैंसिल तो नहीं हो गई। मैंने अपने आप से बोला, मेरे को तो जाना है राइड पर, कुछ भी हो जाए मैं अकेली चला जाऊंगा। मैं चल दिया जावा नोएडा शोरूम की तरफ। फाइनली अपन संडे को राइड स्टार्ट कर लिया। सो व्हाट्स अप गाइस, राइड हॉल दिस साइड, 543 बस मेरे सामने की साइड, और अपन चलते हैं साइड से। तो फॉग तो हो ही रखा है, विजिबिलिटी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है विजिबिलिटी नहीं है, अच्छी खासी विजिबिलिटी है। मेरी फ्रेंड ने मुझे पहले ही मिलने को बोला शोरूम के पास, वहां से शोरूम साथ चलेंगे। हमारी डेस्टिनेशन तो आ गई है, जरा कॉल कर लेते हैं। चले। अब मेरी दिल की धड़कन बहुत बढ़ चुकी थी, पता नहीं क्यों, शायद इसलिए काफी टाइम बाद मैं किसी ग्रुप को ज्वाइन करूंगा, या फिर बहुत सारे अननोन लोग, या फिर मुझे राइड से मना ना करते हैं, या फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या फिर ऐसे ही मैंने बहुत सब चलने लगा बस उस 1 किलोमीटर के दौरान। एंड तभी हम शोरूम पहुंच गए। जैतो को बोला, तुम अंदर जाओ, मैं बाइक बाहर लगाता हूँ। मैं आगे खड़ी कर रहा हूँ, ओके? मैंने बाइक बाहर लगाई थी कि वहाँ एक सिक्योरिटी अंकल जी ने बोला, जावा वाले जाओ ना अंदर लगाओ बाइक। उनका वो इनोसेंट सा लुक बड़ा क्यूट लगा मुझे, बट उन्हें क्या पता था मेरी बजाज की बाइक है और राइड जावा की है। मैं बाइक से उतरने ही वाला था कि तभी मन में घबराहट सी हुई, ख्याल आया कि घर चलते हैं। मैंने जैता से बहाना मारकर निकल गया आगे की तरफ। नहीं नहीं, मैं बस सामान लेना है। रास्ते में जाते जाते जैसे तैसे हिम्मत बटोरी कि मेरे को जाना है, आगे से यू टर्न लिया और शोरूम की तरफ पहुंच गया। हिम्मत करके एंट्री करी, नजरें झुकाए आगे बढ़ रहा था और सोच रहा था कोई देख तो नहीं रहा मुझे। और उस वक्त मैं भूल चुका था मेरा हेलमेट ऐसा है जो ना देखना चाहे वो भी जरूर देखेगा।
और मैंने ऊपर नज़र उठाई, देखा ज़्यादा राइडर्स नहीं आए हुए थे। जाकर जैता के पास खड़ा हो गया। हिम्मत नहीं थी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाऊँ, तभी जैता ने सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। आप मेरी आवाज़ में घबराहट फील कर सकते हो। आकाश। जब वो मुस्कुराते हुए हाथ मेरी तरफ बढ़े, धीरे धीरे मेरे मन की नेगेटिविटी खत्म होने लगी। उस वक्त मन में रियलाइज हुआ, वो अकेले अकेले नेगेटिविटी मेरे को खा रही थी और मुझे एक मेडिसिन की जरूरत थी, और वो मेडिसिन आप सब हो जिन्हें ना जान के भी जानना चाहता हूँ, जिन्हें जिंदगी में जोड़ना चाहता हूँ, जिन्हें जिंदगी की कहानी के हर शब्दों में महसूस करना चाहता हूँ, जिन्हें ना जान के भी साथ में राइड करना चाहता हूँ। बस वो छपड़ी वाले राइडर ना हो। जस्ट अ जोक। तो अब हम राइड स्टार्ट करते हैं थोड़ा म्यूजिक के साथ। काफी ज्यादा कोहरा है यार, बहुत ज्यादा कोहरा है। आ रही होती तो अपन पकड़ लेता यार, क्या हुआ है साला, पिकअप ज्यादा उन लोगों का, तुरंत ही निकल लिए सबके सब। सारे के सारे जावा इधर रुके हुए है। दो हजार 2018 के बाद अब मैंने ग्रुप राइड ज्वाइन करी है। एक अलग ही यादें ताजा हो गई मेरी। जब मैंने फर्स्ट टाइम ग्रुप राइड ज्वाइन करी थी, मेरे हाथ पैर राइड के एक दिन पहले एक्सीडेंट होने की वजह से छिले पड़े थे, बट मेरी वो फर्स्ट राइड थी। मुझे राइडर्स के साथ राइड करने का जुनून ही था कि लंगड़ाते हुए उस राइड पर पहुंच गया मैं। 25 दिसंबर 2016। अब जिनको ये बात पता होगी वो जरूर मुस्कुराए होंगे। और ये आज की राइड है, तकरीबन सेम ही फीलिंग्स हैं। अभी ये राइड जावा की राइड है, जिसे ऑर्गेनाइज करी है जावा नोएडा रोरिंग राइडर्स ग्रुप ने। काफी लंबा नाम है। जावा नोएडा शोरूम से गजरोला की तरफ जाना है, जहां मोगा पंजाबी ढाबा पर ब्रेकफास्ट करेंगे, देन गढ़मुक्तेश्वर गंगा की घाट पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, और जहां मेरा जाने का बहुत बहुत और बहुत ज्यादा मन है, देन वहां से वापस दिल्ली की ओर। एंड इस ग्रुप में सारी जावा बाइक्स हैं, जावा ही जावा। तो अभी वो लोग काफी पीछे रह गए, क्योंकि बेसिकली ये थोड़ा नैरो रोड है, तो नैरो रोड में ऑब्वियसली आते अराउंड ये 10-12 किलोमीटर तक ऐसी है, तो 10-12 किलोमीटर तक इनका ऐसी सीन चलेगा अभी। और मैं अलग आगे पीछे डोल रहा हूँ कि ये सारे मूवमेंट अपने अनोखे यंत्र में रिकॉर्ड कर सकूं, और ये यंत्र ही तो है जो वापस से वो मोमेंट्स फील करा पाते हैं एक अलग नजरिए से, और इसी यंत्र की वजह से आप इस कहानी को एक अलग नजरिए से देख पा रहे हो। ओके, सो मेरा वाइजर पूरा पानी पानी सा हो गया, पूरा पानी पानी जम गया वाइजर पे, बिकॉज ऑफ फॉग। क्लीन करा, वापस फायदा नहीं हो रहा यार। सर्दियों की धुंध राइड मुश्किल है, पर उससे ज्यादा मजेदार है। उस धुंध की वजह से आपको हेलमेट का वाइजर ओपन करना पड़ता है बड़े आराम से, और तभी आपकी कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। और विजिबिलिटी सब में काफी कम है यार, बहुत कम है। आई डोंट नो कैमरे में शो कर भी रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। अब तक हवा की धुन धीरे धीरे आ रही होती है, अब धुन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वापस से वाइजर मेरा पूरा भर गया। अब तक आपकी आंखें
बड़ी सी खुली थी अब धीरे से छोटी हो जाती हैं। अब तक आप हवा को महसूस कर रहे थे, अब हवा में हर एक कण को महसूस कर पा रहे हैं, या फिर चेहरा सुन हो चुका है। अब तक आपने बॉडी की वाइब्रेशन को शांत कर रखा होता था और अब वाइब्रेशन मोड में आ चुकी होती है। अब तक आप बेफिकर होकर राइड कर रहे थे और अब एकदम अलर्ट मोड में, जैसे बॉडी के सारे सेंसर्स ऑन कर दिए हो। इस सफेद चादर ने कहानी का रुख ही बदल दिया। सबकी कहानी की एंडिंग सेम है, जैसे हर कहानी में होता है, हीरो विलन को मारता है, हीरोइन को बचाता है और कहानी खत्म। बट हाँ, कहानी हमेशा डिफरेंट होती है। वैसे ही हम सबकी डेस्टिनेशन सेम है एंड आपकी डेस्टिनेशन भी सेम ही है, बट कहानी अलग अलग इस धुंध की वजह से। कुछ राइडर्स स्लो हो जाते हैं, कुछ आगे चले जाते हैं, कुछ वेट करने लग जाते हैं, कुछ वॉशरूम चले जाते हैं। अब जब हम बकैती करने के लिए आगे रुके और सबकी कहानी सुनी, किसी फलाना राइडर ने स्लो कर दिया, फलाना राइडर ने बहुत तेज निकल गया, फलाना राइडर गलत इंडिकेटर देकर सीधा चला गया और हम सब गलत मुड़ गए, ऐसे ही बहुत सारी मजेदार कहानियां सुनने को मिलती हैं।